जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्री श्री ज्ञान एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले सभी भक्तजनों को, साधुगणों को, जो किसी भी प्रकार से परमपिता परमेश्वर, भगवान, ईश्वर, देवी देवता की सेवा करते हैं, सबको सत सत नमन, सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, यदि आपको शास्त्रों में रुचि है या आप भगवान का ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, योगी जनों से, ज्ञानी जनों से आप मिलते हैं, तो आपको ये पता होगा कि ये जो भगवान हम बोलते हैं, भगवान, परमेश्वर, ईश्वर, देवता, ये परमपिता परमेश्वर की उपाधियां होती हैं। भगवान का बोला जाता है, ईश्वर का बोला जाता है, परमेश्वर का बोला जाता है, ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है और गोपनीय ज्ञान है, ऐसे ही नहीं मिलता। काफी कुछ घूमना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके उचित ज्ञान की प्राप्ति मिलती है, उचित मार्गदर्शन की प्राप्ति मिलती है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सुबह 9:47 तक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि थी, उसके बाद में अष्टमी तिथि शुरू हो गई है, सुबह 11 तारीख है। लेकिन जो व्रत माना जाता है, जो हमारी तिथि मानी जाती है शास्त्रों के अनुसार, वो सूर्योदय के, मतलब सूर्य किस तिथि में उदय हो रहा है वो देख की जाती है, तो वो था सप्तमी तिथि आज का। इसलिए ये जन्माष्टमी जो है वो हम कल मनाएंगे 12 तारीख को। जन्माष्टमी का ये फायदा है कि जो जन्माष्टमी, अष्टमी का जो पीरियड आ रहा है, जो समय आ रहा है, वो रात्रि को मिल रहा है। हमारे पास पूरी रात्रि है, कल सुबह तक है, ब्रह्म मुहूर्त भी हमको मिल जाएगा। तो भगवान नारायण के जितने भी व्रत हैं सब में रात्रि की महिमा सबसे ज्यादा है। रात्रि का उपयोग करना ही है, जगना ही है। यदि आप सत्संग करते हैं भगवान नारायण के, हनुमान जी के, तो रात्रि में जागरण करना जरूरी है, तब इनका पूर्ण फल प्राप्त होता है। वैसे तो रात्रि हर देवी देवता के लिए सबसे अच्छी मानी गई है, फिर ये दिन का मतलब क्या हुआ? दिन का मतलब ये होता है कि आप दिन के अंदर दान कर सकते हैं, मौन व्रत रख सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। दिन में एक तो सोना नहीं है। अब देखो, मैं आपको छोटी सी विधि बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सामग्री की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भगवान को मैं सिर्फ यही बताता आया हूँ आपको अभी तक, कि उनको सिर्फ विश्वास चाहिए, आपका श्रद्धा चाहिए, वो यदि आपके अंदर है तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है आपको, भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं राम कृष्ण, तो आप कृष्ण जी की, राधा जी के साथ में अगर स्वरूप आपको मिलता है दोनों का, तो आप ले कर आइए, या आपके पास घर में उपस्थित हो तो उसको ले लीजिएगा, या आपके पास में पंच धातु की, अष्ट धातु की भगवान कृष्ण की मूर्ति हो तो उसको आप पंचाभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षरी मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आप भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को स्नान करवाइएगा। स्नान कराने के बाद उसको थोड़ा सा ग्रहण करना है, थोड़ा सा मस्तक के लगाना है,
और तुलसा जी है, केले हैं, आंवला है, पीपल है, उसकी जड़ में आप डाल दीजिएगा। इसके बाद शुद्ध जल से गंगा यमुना जो भी पवित्र नदी है उसका जल अगर आपके पास घर में उपस्थित है तो आप उस जल से उनके चरणों का भी स्नान कराइए, चरणों को धोइए, और उस चरणामृत को आप जितनी श्रद्धा भाव से उसको धोएंगे और उसको अपने पास रखिए, ग्रहण कीजिए, खाने पीने की वस्तुओं में उसका ग्रहण कीजिए, आप डालिए उसको, फिर देखिए आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर कैसी खुशहाली आती, कैसी कृपा बरसती है। नवदा भक्ति आप कर सकते हैं इस दिन, किसी भी रूप में आप भगवान को याद कर सकते हैं, जैसे कि बताया, पंचामृत से स्नान करवाइए, चरणों का स्नान करवाइए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, उनकी कथाएं सुनिए, सुनाइए, दोनों का अद्भुत फल मिलता है। ध्यान ध्यान भी आप लगा सकते हैं, ध्यान का भी आपको अद्भुत फल मिलेगा। माला जप सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, नाम का जप कर सकते हैं, कलयुग में नाम की महिमा बताई गई है मंत्र से ज्यादा, नाम मात्र उनका जो नाम है वो मंत्र ही है। और तुलसा जी, आंवला, पीपल, केला आदि वृक्षों की, पौधों की आप जल जरूर चढ़ाइएगा, ताकि वनस्पति से जुड़े हुए भगवान हैं हमारे, इन्होंने कहा था कि वृक्षों की, वनस्पतियों की आप रक्षा कीजिए, सेवा कीजिए, इंद्र भगवान की पूजा करो करो, उन्होंने ये बताया था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आंवले का भोग लगाइए आप भगवान नारायण को, आंवले के मुरब्बे का, इससे भी आपकी लक्ष्मी में वृद्धि होगी। अब देखिए एक बात है कि हम भगवान की सेवा करते हैं, किसी भी भगवान की, तो भगवान निमित्त एक, खाली एक सुख नहीं देगा वो आपको, आप उनकी सेवा करते हैं और सब कुछ उनको अर्पित करके रखते हैं तो उससे वो आपको हर सुख उनकी कृपा से आपको मिलता है। आपने सुना भी होगा, जो अच्छे सक्षम हैं, घर परिवार अच्छा है, धन दौलत अच्छी है, संतान सुख भी है, मकान वाहन का सुख भी है, कोई बीमारी नहीं है, तो यही कहेगा कि हमारे ऊपर भगवान शिव की कृपा है कि हर काम हो गया। तो उन्होंने मतलब किसी भी भगवान जब देते हैं, कोई भी देवी देवता देते हैं, तो सिर्फ एक चीज़ नहीं देते हो, वो सब कुछ देते हैं, आपके 12 का 12 भाव मजबूत कर देते हो, 9 के 9 ग्रह अच्छे कर देते हो। तो कभी भी सेवा करें तो भगवान की सेवा करिए, वो आपको वैसे ही ऑलरेडी सब कुछ चीज़ दे देंगे, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बस श्रद्धा, विश्वास, त्याग की आप भावना रखिएगा, क्रोध नहीं करना है, दिन में सोना नहीं है, चुगली नहीं करनी है, मंत्र नहीं आते हैं तो नाम जप अवश्य कीजिए। कृष्ण जी के 108 नाम हैं, उनका जाप आप कर सकते हैं, भगवान श्री राम के 108 नाम हैं, जाप कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, जाप कर सकते हैं, बड़े ज़्यादा हैं नहीं कर सकते। तो गोपाल सहस्त्र नाम का जो प्रथम श्लोक है, प्रथम नाम है, वही आप जप कर सकते हैं, उससे भी आपको फल मिल जाएगा। राम रक्षा स्तोत्र का भी आप जप कर सकते हैं, नारायण कवच का जप आप कर सकते हैं। अर्जुन ने जब कृष्ण जी से पूछा था कि भगवान, विष्णु सहस्त्र नाम अर्थात आपके 1000 नाम लेना ही जरूरी है, क्या कोई ऐसे दिव्य नाम भी हैं जिनसे आप सब कुछ दे देते हो, तो उन्होंने बताए थे, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो आप जप कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी फल मिलेगा, काफ़ी अच्छा अद्भुत फल मिलेगा आपको।
तुलसा जी में जल चढ़ाइए, तुलसा जी की परिक्रमा कीजिए, तुलसी स्तोत्र है उसका जाप कीजिए। राधा जो इनकी प्राण वल्लभा है उसके भी स्तोत्र का उनके भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, वो भी कल्प वृक्ष साबित होगा आपके लिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर जो है कई लोग खाना नहीं खाते, कई लोग जल भी ग्रहण नहीं करते, वो अपनी श्रद्धा के ऊपर है, शक्ति शरीर की शक्ति के ऊपर है। भूख लगती है तो शुद्ध सात्विक भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं, फल फ्रूट आप ग्रहण कर सकते हैं, नींबू आदि का रस आप पी सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं आप। ज़्यादा कठोर नियम के हमको पालन नहीं करने हैं, मात्र आपसे एक ही उद्देश्य है, शांत रहिएगा, भगवान के नामों का जितना स्मरण हो सके उतना स्मरण कीजिएगा, जितनी माला जप सकते हैं जप सकते हैं आप, उसका आपको फायदा मिलेगा, दान का फायदा मिलेगा आपको, प्राणायाम का फायदा मिलेगा। ये चीज आप करिएगा आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। गाय माता को हरा चारा अवश्य खिलाइएगा, और परिवार के साथ मिलके रात्रि में जागरण अवश्य करिएगा। सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं, अष्टमी है कृष्ण जन्माष्टमी, इसमें भी सिद्धियां मिल जाती हैं। बहुत बड़ी रात्रि ये भी बोली गई है, बहुत बड़ा व्रत ये भी बोला गया है। तो रात्रि अब की बार अष्टमी जो है रात्रि हमको मिली रही है तो उसका फायदा उठाइएगा। विष्णु भगवान के निमित्त कीजिएगा इस रात्रि को, ब्रह्म मुहूर्त का अब तक समय है। हाँ, आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, भगवान सभी भगवान एक है, किसी भी रूप में आप याद कीजिए, मदद करेंगे आप। लेकिन डाइवर्ट नहीं होना है, ये भगवान की भी मैं सेवा कर लूँ, ये भगवान की भी मैं सेवा कर लूँ, तो फिर कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ एक में ध्यान लगाइएगा, ध्यान अवश्य कीजिएगा, चरणों से लेकर मुखारविंद तक जाना है आपको ध्यान करते हुए उनका। शुद्ध वस्त्र आप ग्रहण कीजिएगा, बुधवार वाले दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी जन्माष्टमी पड़ रही है, तो छोटे बच्चों को भी आप कोई उपहार दीजिएगा, कोई धार्मिक पुस्तकें हैं जैसे आदित्य हृदय स्तोत्रम है सूर्य का, शिवतांडव स्तोत्रम है, राम रक्षा स्तोत्रम है, नारायण कवच है, माला है, दान कर सकते हैं आप। तो ये चीजें आप करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा। खाली बैठने से, खाली भूखे रहने से भी व्रत नहीं लगेगा, क्रोध कर दिया, नींद आपने निकाली, कोई फायदा नहीं आपके व्रत का। तो ये आप करिएगा, तुलसी पत्र मैंने बताया है वो अर्पित जरूर करिएगा ताकि आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो सके। आरती कीजिएगा जिससे कि, देखिए आरती का मतलब ये होता है, आरती आप जब करते हैं तो भगवान कहीं पे भी हो उनको 5 मिनट के लिए आना ही पड़ता है, ये नियम है आरती का। और आरती आप खड़े होकर कीजिएगा क्योंकि आरती में बैठ के नहीं की जाती आरती। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार वालों को, अपने मित्र बंधुजनों को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो। आपको जो पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।